और अब अहम खबर देखिए, एनएसजी का 35वां स्थापना दिवस आज है। ब्लैक कैट के जाबाजों का शौर्य देखने को मिलेगा। जी हां, गृहमंत्री अमित शाह थोड़ी देर में आप पहुंचने वाले हैं, तस्वीरें सीधी आप तक पहुंच रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी का स्थापना दिवस समारोह, और एनएसजी वो संस्था है जो टॉप के देश के तमाम इस तरह के अभियानों में हमेशा दिखाई पड़ती है। अमित शाह गृहमंत्री इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, तस्वीरें प्रोग्राम से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं और शौर्य भी यहां पर दिखाई देगा ब्लैक कमांडो का। देखिए आप, 35वां स्थापना दिवस है और किस तरह से जाबाज यहां पर अपने हुनर को, वीरता को दिखाते हुए। दरअसल किसी भी संस्थान के लिए जो सुरक्षा से संबंधित तमाम क्षेत्र में अपने को अव्वल साबित रखना चाहता है, उसके लिए इस तरह की ड्रिल, इस तरह की ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। और कहते हैं कि शांति काल में जितना पसीना बहाया जाए, अगर युद्ध की स्थिति आती है तो उतना ही कम खून बहता है। और ये ट्रेनिंग जो दिखाई जा रही है इस वक्त मानेसर में एनएसजी ग्राउंड में, जहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह है, ये कुछ कुछ वही दर्शाती है। तस्वीरों में आप एनएसजी कमांडोज की वो ड्रिल देख रहे हैं जो आतंकवादी घटनाओं, सुरक्षा के लिहाज से ऐसे अहम ठिकानों पर जहां अक्सर आतंकवादी होस्टेज बनाने के बाद किसी तरह की क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वहां पर एनएसजी का रोल निकल कर सामने आता है, एनएसजी का मुकाबला करती है। ये वही एनएसजी कमांडोज है जिनके एक बेहद दिलेर अदम्य साहस से खड़े हुए साथी उन्हें घटना में जो मुंबई में तस्वीरें देख सकते हैं हम इस वक्त मानेसर से। बिल्कुल, और जैसा राजीव बता रहे हैं, अहमियत इन तस्वीरों की बेहद ज्यादा है। जवान अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए और किसी भी आपातकालीन स्थिति से किस तरह से निपटा जाए, इन तस्वीरों में हम समझ सकते हैं कि एनएसजी आखिर काम कैसे करता है ऐसी स्थिति में। तो जाबाजों का ये शौर्य है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो तमाम आपातकालीन स्थिति रहती है निपटते हैं, वो देशवासियों को बचाते हैं वो।